नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जातक को थल सेना में नौकरी प्राप्त करना हो तो उसे एक कुंडली में किस तरह से योगों को देखा जाता है, इसकी समुचित जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हमने वायु सेना के बारे में वीडियो बनाया, आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आज हम जो भी जातक जानना चाहता है कि उसे थल सेना में नौकरी क्या प्राप्त हो सकती है नहीं, तो उसको अपनी कुंडली में किस तरह योगों को देखें, कौन से भावों को देखें, कौन से घरों को देखें, इसकी समुचित जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए, जैसा हम बता रहे हैं उस तरह से आप देखिए। सर्वप्रथम तो जो भी नौकरी होती है उसे मंगल शासन करता है, तो मंगल की स्थिति अच्छी होना चाहिए आपकी कुंडली में। और जब भी हम थल सेना की बात करेंगे तो मंगल का विशेष योगदान है, तो वो आपकी कुंडली में स्वराशि का उच्च राशि का केंद्र त्रिकोण में अशुभ ग्रहों से दष्ट होना चाहिए। साथ में जब भी नौकरी के बारे में करेंगे तो दशम भाव को देखा जाता है, तो दशम भाव में अगर आप थल सेना में जाना चाहते हो तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व की राशियां 2 नंबर 6 नंबर 10 नंबर की होना चाहिए। तो आप वृषभ राशि हो सकती है, 6 नंबर की कन्या राशि हो सकती है, 10 नंबर की मकर राशि हो सकती है, वो आपके दशम भाव में होना चाहिए। ऐसे ही अगर 2, 6, 10 अगर ये राशि आपके कुंडली में लग्न में भी होगी तो वो भी विशेष योगदान देंगे। तो ये राशियों का विशेष महत्व दिया गया है थल सेना के लिए, साथ साथ में मंगल का महत्व दिया गया है। और चौथा भाव भी अगर आपका बलवान है, चौथे भाव का स्वामी भी आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, मंगल भी बलवान है, तो आपको थल सेना में जाने के लिए अब हम जो बताएंगे उन योगों को देखना होगा। तो सर्वप्रथम जो दशम भाव का जो कारक ग्रह हैं वो भी आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इनके कारक ग्रह हैं जो भी है वो है शनि है, गुरु है तथा सूर्य और बुध, ये इनके कारक ग्रह है। तो कारक ग्रह की जितनी अच्छी स्थिति होगी वो भी आपको थल सेना में नौकरी देंगे। तो सर्वप्रथम तो ये होना चाहिए कि जितने भी हम योग बताएंगे वो जितने मैक्सिमम आपके कुंडली में बनेंगे उतना बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया कि थल सेना में जाना है तो आपको देखना होगा जो पृथ्वी तत्व की राशि है वो 2, 6, 10 यहाँ हो सकती है, 2, 6, 10 यहाँ हो सकती है। फिर हमने बोला कि आपको जो मंगल ग्रह है वो उसका कारक है, तो मंगल की स्थिति भी अच्छी होना चाहिए, वो केंद्र में 1, 4, 7, 10 में हो आपकी कुंडली में, या 5वें 9वें भाव में हो, या मंगल जैसा यहाँ स्वराशि का हो इस तरह से होना चाहिए। चौथा भाव भी बलवान हो, चौथे भाव का स्वामी वो भी त्रिकोण में है, ये भी बलवान है, चौथा भाव बलवान होना चाहिए। बृहस्पति का जो है वो शासन के लिए अच्छा रहता है, तो बृहस्पति की स्थिति अच्छा होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए, इस कुंडली में हमने देखा कि पंचम भाव का स्वामी लग्न का स्वामी सूर्य है और दशम भाव का स्वामी आपका शुक्र है, इनका राशि परिवर्तन होता है, या जैसे सूर्य और शुक्र की युति भी होती है लग्नेश की, और लग्न क्योंकि कुंडली में लग्न बलवान होना चाहिए, लग्न हम स्वयं है, हमारा व्यक्तित्व है, तो लग्न बलवान होने की स्थिति मतलब वो यहाँ पे अगर 5 नंबर की सूर्य राशि है तो वो अपना सिंह राशि का स्वामी जो सूर्य है वो स्वराशि का हो सकता है, वो उच्च का हो सकता है, वो केंद्र में त्रिकोण में मित्र ग्रहों के साथ हो, मित्रों की दृष्टि हो, तो वो बलवान की स्थिति कहलाएगी। ऐसे शुक्र भी आपका स्वराशि का हो सकता है, उच्च का हो सकता है, तथा साथ साथ में उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, मित्र ग्रहों का प्रभाव हो, तो भी शुक्र बलवान होता है। तो इस तरह से सूर्य और शुक्र की यहाँ युति बन रही है, ऐसे केंद्र में कहीं भी बन सकती है आपकी कुंडली में, लग्न भाव और दशम भाव की युति के लग्न केंद्र में या त्रिकोण में जो भी लग्न हो और दशम भाव का स्वामी हो उनके आप कुंडली में देखिए कि युति जैसे शुक्र और सूर्य की यहाँ हो रही है वैसी आपकी कहीं भी हो सकती है, राशि परिवर्तन हो सकते हैं लग्न से और दशम से,
और ऐसे ही उनका दृष्टि संबंध भी हो सकता है। तो मान लो कि यहाँ पे आपका सूर्य बैठ जाए, शुक्र यहाँ और शुक्र यहाँ बैठे और यहाँ से सूर्य देखे, इस तरह से दृष्टि संबंध भी बन सकते हैं। और जितने भी ग्रह आपकी कुंडली में उच्च के होंगे, जैसे लग्नेश उच्च का हो, दशमेश शुक्र उच्च का हो, और जो कारक मंगल है वो भी उच्च का हो, तो जितने उच्च के ग्रह होंगे, जितने इनकी मंगल और लग्नेश और दशमेश की युतियाँ हो, दृष्टि संबंध हो, एक दूसरे के भाव में बैठे हों, तो उतना ये अच्छे फल देंगे और आपको थल सेना में जाप जरूर दिलाएंगे। और वहाँ पे थल सेना में जाप मिल जाने के बाद में आप उच्च का उत्तराधिकारी बनना कई योग देखना चाहोगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका बृहस्पति सूर्य मंगल वगैरह वो भी अपनी उच्च राशियों में सौ राशियों में वो लग्न को प्रभावित कर रहे हों, दशम भाव को प्रभावित कर रहे होंगे, शुभ स्थिति में होंगे, तो आपको वहाँ पे भी उच्च अधिकारी भी बन जाएंगे। तो इस तरह हमने देखा कि जो भी थल सेना में जाना चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली में देखना है, लग्न भाव देखना है, लग्नेश देखना है, उसके बाद में जो दशम भाव दशमेश को देखना है, फिर राशियां हमको देखना है, दो नंबर की राशि, छह नंबर और दस नंबर की राशि वो दशम भाव में हो सकती है, वही लग्न में भी हो सकती है। चौथा भाव आपका बलवान होना चाहिए और मंगल जो कारक है उसकी स्थिति भी कुंडली में अच्छी होना चाहिए, उसका संबंध भी लग्न भाव दशम भाव से बने तो भी बहुत अच्छा है। जो कारक ग्रह है वो अच्छी स्थिति में होंगे तो आपको जाप जरूर दिलाएंगे। जो कारक हमने बताया, बृहस्पति है, शनि है, सूर्य है, बुध है, दशम भाव के, उनकी भी स्थिति केंद्र में त्रिकोण में उच्च की सौ राशि की होगी, तो आपको जरूर ही थल सेना में अच्छी नौकरी के योग बना देंगे। और इनके प्रभावों को अच्छा करने के लिए आपको लग्न को बलवान करना चाहिए। यहाँ लग्न जैसे सूर्य है तो सूर्य को बलवान करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाइए, पिता जैसे लोगों की सेवा कीजिए, उनका आदर सम्मान कीजिए। इसी तरह से बृहस्पति भी, अगर बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद लो, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, आपका जो पंचम भाव है वहां से इष्ट की आराधना करते हैं, यहाँ यहाँ पे आपको इष्ट की आराधना करना चाहिए, तो इष्ट यहाँ बनते हैं आपके विष्णु जी, तो उनकी आराधना करो। जो भी दशा बताई, जैसे सूर्य और शुक्र की हमने बताया, इनकी दशा अंतर्दशा चलती हो तो उसमें आपको थल सेना में जाओ अच्छे प्राप्त होने के योग बनते हैं, गोचर में भी अच्छे स्थिति बनती होगी। जो कारक ग्रह है उनकी भी अगर गोचर में स्थिति दशम भाव और लग्न को प्रभावित कर रही होगी तो आपको थल सेना में जाप जरूर मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो भी ग्रहों के ऐसे अच्छे योग चल रहे हैं, उनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो उनके मंत्रों के जाप करिए, 108 बार कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। तो इस तरह आपने जाना कि अगर थल सेना में जाना चाहते हो तो जिस तरह से हमने आपको बताया, संक्षिप्त जानकारी दी, वो आप अपने कुंडली में जरूर देखिए। और इस तरह से आपने मेरा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, अच्छी बात है। और इसके बाद में मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में आप टेलीफोन से परामर्श करना चाहते हो तो मामूली दक्षिणा देके टेलीफोन से परामर्श भी प्राप्त कर सकते हो। आपने मेरा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब किया, इसके लिए वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।